मौसी देखिए। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूँ रूपा, आप सबका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। और आज है वट सावित्री की पूजा और वट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं सभी सुहागनों को। और ये देखो सुबह सुबह मैं रेडी हो गई हूँ नहा करके, और सुबह सुबह हमें जाना है पूजा करने के लिए। मतलब 8 बजे हम जा रहे हैं पूजा करने के लिए, और क्योंकि ना बहुत कम टाइम तक मुहूर्त है इस बार पूजा का, तो इसलिए जल्दी जा करके हम पूजा करके आ जाएंगे, क्योंकि काफ़ी धूप भी हो जाती है, बहुत गर्मी भी है, और देखो पैरों में आलता भी लग गया। आलता लगाना तो सबसे ज़रूरी है, और मैंने पायल भी चेंज नहीं किया। कोई बात नहीं, पैरों में किसी का ध्यान नहीं जाएगा, चलते हैं। और काफ़ी लेट हो गया है तो फटाक से हम चलते हैं। माँ थोड़ा सा भी धीरे धीरे आ रही हैं, क्योंकि उनके पैर में ना दर्द हो गया है इसीलिए। और हम पहुंच गए हैं, बहुत ही सुंदर सा छोटा सा यहाँ पे बर का पेड़ है, और काफ़ी छायादार भी है। और बड़े बड़े पेड़ों में क्या होता है ना कि आपको धूप पड़ता है, बट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एकदम छांव रहता है। जब तक हम पूजा करते हैं ना, यहाँ पे धूप आती नहीं है। और लास्ट टाइम भी आप मेरे ब्लॉग में देखे होंगे कि यही पेड़ में हमने किया था लास्ट टाइम भी पूजा। ये मेरा 3rd वट सावित्री पूजा है, और आज मेरा एंगेजमेंट एनिवर्सरी भी है 19 मई। सो मुहूर्त जो है पूजा का वो 9 बजे तक ही है, तो हम फटाफट से पूजा करेंगे। और इससे पहले भी एक राउंड पूजा हो चुका है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा हौच-पौच लग रहा है कि कोई पूजा कर रहा है, कोई फेरे लगा रहा है, तो इस तरीके से इस बार हो गया, क्योंकि मुहूर्त ही नहीं है ज़्यादा देर तक, तो इसीलिए सब फटाफट से पूजा कम्प्लीट कर रहे हैं। वीडियो को आप ज़रूर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे। सो अब बारी है फेरे लेने का। पूजा हमने कर लिया, अब फेरे लेते हैं। और फेरे लेने का भी एक अलग अपना महत्व है। और ये देखो हम फेरे ले रहे हैं, और सबके साथ पूजा करने में ना एक अलग ही आनंद मिलता है, अच्छा भी लगता है, मज़ा भी आता है। और इतनी सारी सुहागनें आती हैं, सबका आशीर्वाद भी मिलता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है, इसीलिए हम यहीं पे आते हैं पूजा के लिए। और अब बारी है कहानी सुनने के लिए, तो अभी हम कहानी सुनेंगे, उसके बाद आगे की चीज़ें आपके साथ शेयर करते। सो कहानी सुनने के बाद सभी सुहागने एक दूसरे को इस तरीके से सिंदूर लगाती हैं और सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देती हैं, तो एक दूसरे को हम ऐसे ही सभी लोगों को ऐसे सिंदूर लगाते हैं। और लास्ट में हम सब ने मिल के आरती भी गाई, क्योंकि आरती के बिना तो पूजा अधूरा होता है, इसलिए आरती गाना ज़रूरी है। और सामने में एक मंदिर है हनुमान जी का, और उसके बगल में ही मंदिर के बगल में इनका बहुत विशाल और भव्य मंदिर बनने वाला है। अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि कैसा है, उसका तैयारी चल रहा है। तो पहले हम हनुमान जी का पूजा करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। Thank you.
सो यहाँ पे देखिए इतना मतलब बहुत ही बड़ा एरिया में मंदिर का निर्माण होने वाला है और इसका उद्घाटन हो गया है और बस काम चालू है, तो बहुत जल्दी यहाँ पे एक मंदिर आपको देखने को मिलेगा मेरे ब्लॉग्स में। सो पूजा करके हम आ गए हैं घर और अब बारी है हस्बैंड जी की थोड़ी सी आरती वारती उतारने की, थोड़ा सा पूजा करने का, इनको थोड़ा सा मक्खन मलाई लगाने का, तो चलो ये भी हम कर लेते हैं जल्दी से। तो मेरे हस्बैंड जी ना ये सारी चीज़ें में, ये सारे मामले में थोड़े से कच्चे हैं, मतलब हर छोटी छोटी चीज़ें इनको बतानी पड़ती है, तो देखो कैसे सिंदूर लगाएंगे। जैसे मैंने इनको छोटा सा टीका लगाया ना, वैसे ये भी मुझको टीका लगा रहे थे, देन मुझे बताना पड़ा कि पूरा मांग भरा जाता है। सो ये थोड़ा सा हड़बड़ी मूड में भी थे क्योंकि कस्टमर आया हुआ था दुकान में, इसलिए मैं भी फटाफट से कोशिश कर रही थी कि जल्दी इनको मतलब भेज सकूँ, ज़्यादा टाइम ना लूँ। अभी देखना आप सब ये मुझे कैसे आशीर्वाद देते हैं, मतलब इनको कभी सीरियस नहीं रह सकते। मैं बोल रही थी अरे लड़ाई मत करो ना, मैं बाद में लड़ लूँगी, आप सब ये आशीर्वाद दे दो। तो दो तीन बार मैंने अच्छे से इनको आशीर्वाद मांगा है। यस, तो अब हो गई मेरी पूजा कंप्लीट। सो पूजा मेरी संपन्न हुई अच्छे से और आशा करती हूँ कि जीवन में हमारा साथ यूँ ही बना रही हूँ, हंसी मजाक बना रहे। सो मिलती हूँ अपने अगले ब्लॉग में आप सबसे, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक।